मित्रों, कहा गया है कि प्रेम ही परमात्मा है। ईश्वर के पास बैठें तो जो व्यक्ति जितने प्रेम से ओतप्रोत होता है, जितना उसका समर्पण होता है उसके प्रति, उतनी ही जल्दी हमें मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उतनी ही जल्दी हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसी संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे कि व्यक्ति का प्रेम कैसा हो ताकि वो माँ गायत्री का सानिध्य प्राप्त कर सके, गुरुदेव का स्पर्श महसूस कर सके। कई लोगों के हमारे पास में मैसेज आते हैं कि आचार्य जी, हम इतने दिन से साधना कर रहे हैं लेकिन ना तो हमें माँ गायत्री का अनुभव होता है ना गुरुदेव का अनुभव होता है। तो आज हम आपको जो चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं, आप उसको देखना और सोचना कि कहीं आपके अंदर इस चीज़ की कमी तो नहीं है। आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर समर्पण तो कम नहीं है, आपके अंदर प्रेम की कमी तो नहीं है, आपके अंदर किसी प्रकार की श्रद्धा की कमी तो नहीं है। जहाँ अविश्वास होता है वहीं पर ये सब चीज़ें होती हैं। संदेह जिस द्वार से आता है, प्रेम और विश्वास उसी द्वार से चला जाता है। तो जब हम साधना करते और किसी प्रकार का कोई भी संदेह यदि हमारे मन में जाता है तो फिर वो साधना फलित नहीं होती है। तो भगवान के पास में जब हम प्रेम से बैठते हैं, प्रेम ही परमात्मा, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसी बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित ग्रीस वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, बहुत प्राचीन काल की एक कथा है। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, आसमान तक उसके हाथ फैले हुए थे, यानी उसकी जो शाखाएं वो ऊपर तक उठी हुई थी। बहुत सारे सुगंधित फूल उसमें लगा करते थे, बहुत सारे मीठे जो है फल उसमें लगा करते थे। लोग आते उसकी छाया में बैठते और आनंद लेते। एक छोटा सा बच्चा था गांव का, वो नित्य उस झाड़ के पास में आकर के खेलते रहता था। उस झाड़ को उससे प्रेम हो गया। हमेशा बड़े लोगों को जो है छोटों से प्यार होता है, लेकिन कौन से बड़े लोगों को होता है? जिनके अंदर अहंकार नहीं होता है, जिनके अंदर प्रेम होता है वो हमेशा छोटों से प्यार करते हैं। लेकिन जिसके अंदर प्रेम नहीं होता, अहंकार होता है, वो अपने से ऊंचे लोगों से प्रेम करते हैं, यानी एक दिखावा करते, क्योंकि उनसे उनका स्वार्थ है। लेकिन वृक्ष जो है, प्रकृति जो है, उसको किसी से कोई लोभ नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भी उनके अंदर अहंकार नहीं होता। तो उस झाड़ को भी उस बच्चे से प्यार हो गया। वो बच्चा आता वहाँ पर खेलता, लेकिन बच्चा छोटा था, फलों तक उसका हाथ नहीं पहुँच पाता था। तो प्रेम हमेशा देता है, वो वृक्ष की डालियाँ झुक जाती और वो बच्चा उसके फलों को तोड़ता और खाता। पेड़ जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता उसको फल दे करके। जहाँ प्रेम होता है और जब वो देता है तो वो प्रसन्न होता है। जहाँ अहंकार होता है, वो जब किसी को नुकसान पहुँचाता है तब संतुष्ट होता है। दोनों में ये फ़र्क है। प्रेम देकर के प्रसन्न होता है और अहंकार आदमी को से लेकर के प्रसन्न होता है, आदमी को दूसरे को चोट पहुंचा करके प्रसन्न होता है। तो वो वृक्ष जो है प्रसन्न हो जाया करता था। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा, उस झाड़ की शाखाओं के ऊपर चढ़ने लगा, चढ़ करके जो है हाथ ऊपर करता, वृक्ष जो है अपनी डालियों को नीचे कर देता और बड़ा प्रसन्न होता और अपने वो पुष्प तोड़ता, फल तोड़ता और कभी कभी वहाँ पर विश्राम करता। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बच्चा और बढ़ा हुआ, अब उसे प्रतिस्पर्धा उसके अंदर आ गई, उसे दोस्तों को हराना था, आगे बढ़ना था, पढ़ना था और कुछ धन अर्जित करना था। धीरे धीरे उस बच्चे का आना वहाँ पर कम हो गया। वृक्ष जो है उसका नित्य इंतजार करता
जब बच्चा नहीं आता तो वो दुखी हो जाता। प्यार हमेशा देना चाहता है, अहंकार हमेशा लेना चाहता है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं और जब वो नहीं मिलता है, जब वो हमारे पास में नहीं आता है, तो हमें बेचैनी होने लगती है। तो इसी प्रकार से बेचैनी उस झाड़ को होने लगी। एक दिन अनायास वो लड़का वहाँ से निकला तो वृक्ष एकदम से प्रसन्न हो गया और उसने बोला कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, तुमसे ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के पश्चात तुम आए हो, मैं प्यार करने के लिए तरस गया हूँ। तो उस बच्चे ने उससे बोला कि तुम्हारे पास में है ही क्या जो मैं तुम्हारे पास में आऊँ, मुझे बहुत सारा धन कमाना है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो धन कैसे कमाऊँगा। जब व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाता है तो वो प्रेम करना भूल जाता है। इसी प्रकार से भी जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसके अंदर प्रेम खत्म हो गया, उसके अंदर लोभ आ गया कि अब मुझे कमाना है, मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो उस वृक्ष ने बोला कि भाई हम तो वृक्ष हैं, हम धन की भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं। मनुष्य धन की ओर भागता है इसलिए वो हमेशा दुखी होता है। आपने कभी पशु पक्षियों को दुखी होते हुए देखा, पैसे की दौड़ में दौड़ते हुए देखा? नहीं, इसलिए वो प्रसन्न रहते हैं। फिर भी चूंकि प्रेम देना जानता है तो उस वृक्ष को ध्यान आया कि मेरे पास में बहुत सारे फल हैं, यदि ये फलों को लेकर के बेचता है तो निश्चित रूप से उसको धन की प्राप्ति होगी। तो उसने उस बालक से बोला कि तुम एक काम करो, मेरे जितने भी फल हैं उनको तुम तोड़ करके बाजार में बेच दो, तुमको बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। उस लड़के को भी ध्यान आया, वो झाड़ पर चढ़ा, बहुत सारी उसने टहनियाँ उसकी तोड़ दी और सारे कच्चे भी और पके भी सारे फल उसने उससे तोड़ करके ले गया और उससे धन कमाया। धन कमाने के बाद में उसी धन से उसने और धन कमाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसका वहाँ पर आना लगभग बंद सा हो गया। कुछ समय के पश्चात में जब वो युवा हुआ, फिर एक दिन वहाँ से निकला, वृक्ष काफ़ी दिनों से उसका इंतज़ार कर रहा था, बहुत दुखी था कि ये आ क्यों नहीं रहा है। तो जैसे वो वहाँ पर आया तो वो वृक्ष बड़ा खुश हो गया और बोले आओ मैं तुम्हारे पास में बैठना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार से प्यार करना चाहता हूँ। तो उस युवा ने बोला कि मैं तुम्हारे पास आकर के करूँगा क्या, मुझे मकान बनाना है, मुझे इस समय मकान की आवश्यकता है। तो वृक्ष ने कहा कि हम लोगों के तो कोई मकान होते नहीं हैं, मकान तो सिर्फ मनुष्यों के होते हैं और वही मकान बनाते हैं और उसमें वो रह भी नहीं पाते और ऊपर चले जाते हैं, इसलिए हम मकान के जैसे चक्रों में नहीं पड़ते, हम सिर्फ प्यार देना जानते हैं, तो आओ मुझसे प्यार करो। लेकिन वो उस युवा ने बोला कि नहीं, मुझे मकान बनाना है। तब उस वृक्ष को याद आया कि मेरी बहुत सारी टहनियाँ हैं, बहुत सारे मेरे झाड़ पत्ते हैं, इसके द्वारा ये मकान बना सकता है। तो उसने बोला कि तुम एक काम करो, मेरी सारी टहनियों को तोड़ लो और तुम मकान बना लो। वो युवक गया, कुल्हाड़ी लेकर के आया और उसने वृक्ष की सारी टहनियों को तोड़ दिया। वृक्ष एकदम ठूंठ के समान हो गया, लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद भी वो बड़ा प्रसन्न था। प्रेम सब कुछ लुटाने के बाद भी प्रसन्न होता है, अहंकार दूसरों को छीनने के बाद प्रसन्न होता है। अहंकार कभी दूसरों को नहीं लुटाता, अहंकार हमेशा दूसरों का छीनता है और जितना ज़्यादा छीनता है उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो वृक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो मैं अपने मित्र के कुछ तो काम आया। उस युवक ने जाकर के अपना मकान बनाया, फिर उसका वहाँ से जाना बंद हो गया। अब वो सिर्फ एक ठूंठ के रूप में रह चुका था, अब उसके पास में ना तो पत्ते थे, ना फल थे, ना फूल था, ना टहनियाँ थीं, लेकिन इसके बावजूद भी उसको संतोष था कि चलो मैं अपने मित्र के कुछ तो काम आया। फिर वो व्यक्ति कुछ थोड़ा सा वृद्ध हुआ, वो एक दिन वहाँ से निकल रहा था, वृक्ष ने उसे पुकारा कि आओ मेरे पास में बैठो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे से बात करने के लिए तड़फ रहा हूँ। तो वो व्यक्ति जो कि वृद्ध हो चुका था, उसने बोला अब तुम्हारे पास में रखा ही क्या है, मैं बाहर देश कमाने के लिए जा रहा हूँ और ज़्यादा धन कमाना चाहता हूँ, तुम्हारे पास बैठ करके मैं क्या करूँगा। तो उस वृक्ष ने बोला कि अभी भी मेरे पास में इतना है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम मेरे को काट लो
और इसकी एक नाव बना लो और नाव पर बैठ करके आप विदेश चले जाओ और वहाँ पर जा करके धन कमाओ। उस व्यक्ति ने आरी लेकर के आया और उसके पूरे वृक्ष की जो है उसको जड़ को काटा और उसका उसने नाव बना ली। सुनते हैं कि वो वृक्ष बाद में उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वो व्यक्ति कभी आया नहीं। मित्रों, प्रेम हमेशा देता है, अहंकार हमेशा लेता है। तो जो व्यक्ति परमात्मा के पास बैठ करके अपना सर्वस्व लुटा देता है, सब कुछ उसका है, तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ भी आपने दिया है वह सब कुछ आपका ही है। जब हम हवन करते हैं तो उसमें बोलते हैं इदम गायत्री इदम नमम, यानी हे माँ यह सब कुछ आपका है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हे ईश्वर, जो कुछ इस सृष्टि में है, जो कुछ तूने हमें दिया है वह सब कुछ आपका ही है, और जिस दिन व्यक्ति प्रेम में उतर जाता है, जिस दिन व्यक्ति के अंदर समर्पण आ जाता है, उस दिन परमात्मा को वो पा लेता है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा किसी मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद में नहीं है, परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। बस ढाई अक्षर प्रेम का, आपको सिर्फ अपने अंदर प्रेम को जागृत करना है, आपके अंदर के अहंकार को खत्म करना, आपके अंदर के लोभ मोह को खत्म करना, फिर आप देखेंगे कि परमात्मा कैसे आपके निकट आता है और किस प्रकार से आपको गायत्री की सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो मित्रों, ईश्वर के पास बैठें, समर्पण भाव से बैठें, अपने आप को शून्य कर लें और प्रेम के साथ में बैठें कि प्रेम जो कुछ मांगता है आप दे दें, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह ना करें, तो फिर निश्चित रूप से आप परमात्मा के निकट बैठ सकते हैं, परमात्मा की आप जो है कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा मित्रों यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।